सांसद अनुप्रिया पटेल की ओर से राजाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर अब राजनीति शुरू हो गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष ने इस बात का किस तरीके से तिरस्कार किया है, आइए आप भी देखिए। बता दें कि मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली 16वीं लोकसभा की सांसद अनुप्रिया पटेल की ओर से चुनावी भाषण में राजाओं को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद वह विवादित बयान अब सुर्खियों का विषय बन चुका है। चारों तरफ इस बयान की निंदा की जा रही है। वहीं अनुप्रिया पटेल के इस बयान को लेकर जब श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया से बात की गई तो उन्होंने भी अनुप्रिया पटेल के इस बयान का तिरस्कार किया है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने बात करते हुए क्या कुछ बताया, आप जरा यह भी सुनिए। अनावश्यक बयान था, इस बारे में कुछ भी किसी भी नेता को कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि राजे और रजवाड़ों ने तो अपनी कुछ स्वेच्छा से अपना विलय भारतीय संघ में कर दिया था 1947 के अंदर ही। उसके बाद इस तरीके के सवाल उठाना किसी भी नेता को अपनी तुच्छ मानसिकता के तहत कह सकते हैं, ऊंची राजनीति के तहत कह सकते हैं, और या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत कह सकते हैं, तो वो इस तरीके के सवाल उनको उठाना नहीं चाहिए था। और उसके बाद उससे भी बड़ा एक करने वाले लोग बैठे ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कह दिया है कि रानियों का एबॉर्शन करा दिया गया है। तो उस ओम प्रकाश राजभर को कौन बताया जाके, अरे साले दो कौड़ी के आदमी, तुझे ये समझ में आना चाहिए कि खुद राजाओं ने स्वेच्छा से विलय किया था, जिस आज आरक्षण की या जिस संविधान की तू दुहाई दे रहा है, उन राजाओं ने ही इस देश का निर्माण किया है। उन राजाओं ने अपनी 40 लाख एकड़ जमीन, सारे 1564 किले, सारे राजे रजवाड़े स्वेच्छा से विलय किए थे, तो तू इस तरीके की क्यों अभद्र टिप्पणी करता है। आप खुद उठा के देख लीजिए, B.R. अम्बेडकर जी ने कभी भी किसी भी राजा के खिलाफ या किसी भी छत्री के खिलाफ कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की थी। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपनी ओछी मानसिकता एवं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इस तरीके के ओछे बयान देते हैं और बाद में जाकर माफी मांगते हैं। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से ही प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजाओं का सम्मान करती है। मैं वही तो कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप खुद देख लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाते हैं जामनगर के राजा का किस तरीके से सम्मान करते हैं। एक तरफ आप उठा के देखिए कि योगी जी किस तरीके से राजाओं एवं अन्य जो भी जिन लोगों ने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया उनका किस तरीके से सम्मान करते हैं, और ये उनके ही सहयोगी दल हैं। ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, इनका दल अलग है, लेकिन ये गठबंधन के तहत NDA के साथ है, और ये इस तरीके के उल जुलूल बयान देते हैं जिसका खामियाजा इनको तो भुगतना ही पड़ेगा, इनके साथ साथ अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तरीके के बयान से हर एक राजनीतिक दल के नेताओं को बचना चाहिए, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इन लोगों की ओछी मानसिकता वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिसके तहत ये उल जुलूल बयान देते हैं और समाज के अंदर एक एक खाई का निर्माण करवाते हैं। अनुप्रिया पटेल के बयान पर कुंडा के जो विधायक हैं और उनका भी एक बयान आया है, उन्होंने बताया कि बयान मेरा रहा है। देखिए आप यही देखिए, जिसके खिलाफ बयान दिया गया उन राजा भैया ने कितना संयमित बयान दिया है। उन्होंने स्वयं बोला इस बात को कि राजा और रजवाड़े तो स्वयं 1947 के अंदर विलय कर दिए गए थे, वो खत्म हो चुके हैं। इस तरीके का बयान अनावश्यक बयान है, उन्होंने यही कहा है कि ये बयान अनावश्यक है। तो इसको बोलते हैं एक सदे हुए राजनेता की प्रतिक्रिया। और एक आपको बहुत ही रोचक चीज बताना चाहूंगा, राजा भैया या जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी विधानसभा कुंडा विधानसभा के अंदर 4.5 लाख मतदाता है, और उन 4.5 लाख मतदाताओं में केवल और केवल 10,000 छत्री मतदाता है, केवल कितने 10,000, बाकी 4,40,000 मतदाता अन्य जातियों के हैं, जो कि उनको आज भी उतना ही आदर सम्मान देते हैं उनके काम की वजह से। 7 बार का विधायक चुना जाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये आप देखिए कि जो आदमी निर्दलीय जीतता रहा हो, और 2019 में जब उन्होंने अपना दल बना लिया उसके बाद भी वो जीतते चले आ रहे हैं, और राष्ट्र धर्म की खातिर और सनातन धर्म की खातिर वो कई बार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर चुके हैं, चाहे वो राज्यसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव रहा हो, और चाहे वो 370 का समर्थन करना रहा हो, हमेशा राष्ट्र के नाम पर जन सत्ता दल लोकतांत्रिक एवं राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है, तो इसको आप किस नजर से देखते? देखिए ये एक थोड़ा सा मैं इसमें आपको करेक्ट करना चाहूंगा, उन्होंने किसी भी दल को समर्थन न देने का फैसला किया, उन्होंने अपने जितने भी कार्यकर्ता है उनको ये बोल दिया है कि आप चाहो तो किसी का भी समर्थन कर सकते हो, आप आजाद हो, क्योंकि जन सत्ता दल लोकतांत्रिक का किसी से भी गठबंधन नहीं है, चाहे वो NDA गठबंधन रहा हो और चाहे वो इंडिया गठबंधन रहा हो, उनका दोनों में से किसी भी दल से गठबंधन नहीं है। इसीलिए राजा भैया किसी भी मंच पे, चाहे वो अखिलेश यादव जी का मंच रहा हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का मंच रहा हो, किसी भी मंच पे राजा भैया इन लोगों के साथ नजर नहीं आए होंगे। और बाकी तो मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, आप स्वयं देख सकते हैं, तो राजा भैया के समर्थक हैं उनको उन्होंने बोल दिया कि आप चाहो तो समाजवादी पार्टी का समर्थन करो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करो, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में
वो शायद वहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसी वजह से उनकी बात भी नहीं हो पाई। और अमित शाह जी ने उनको बेंगलोर मिलने के लिए बुलाया था और उनसे जो भी बात हुई हुई बंद कमरे में, बंद कमरे की बात की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के तहत क्या बात हुई ये वो उन दो लोगों के बीच की बात है, बसरते उन्होंने किसी भी दल का किसी भी ब्लॉक का समर्थन नहीं किया है खुल के। उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति जो भी उनका कार्यकर्ता जिसको चाहे उसको समर्थन करे।